हेलो, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूज़, आप लोगों में से कुछ कुछ लोगों ने कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स के टेक्निकल एनालिसिस की रिक्वेस्ट की थी मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हमने कहा था कि वी विल डेफिनेटली कंसिडर योर स्क्रिप्ट्स इफ़ यू मेंशन देम इन आवर कमेंट बॉक्सेस। सो उससे चलने से पहले, जो हमने लास्ट एनालिसिस किया था गालिबा 15 दिन पहले, उस पर एक नज़र डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी नाइसली 100% रिजल्ट्स। तो आज है अर्थ डे 2021। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है जी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसको हमने जब एनालाइज किया था तो इसका रेट था 31.40। उसके बाद इन 15 दिनों के अंदर अंदर इसने 4 रुपीज़ गेन किए हैं। जैसा कि हमने इंडिकेट किया था, ये हमें बुलिश ही नज़र आ रहा है हमारे एनालिसिस की बेसिस पर। तो यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ उन लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में देखना चाहते हैं कि कैसे प्रॉफिट होता है, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। आजकल एक फ़ोन मिल रहा है बाज़ार में, आप लोगों को पता ही होगा, ऑलमोस्ट 3 लाख रुपीज़ का आता है। लेट्स से कि हम 3 लाख रुपीज़ के ही नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शेयर्स इसी जगह पर ख़रीद लेते जहां पर हमारी टीम ने इंडिकेशन की थी कि ये अब ऊपर जाते हुए नज़र आते हैं। तो तकरीबन 10,000 शेयर्स ख़रीदे जा सकते थे। तो 10,000 शेयर्स को आप इन 15 दिनों में ये पूरे 4 रुपीज़ से थोड़ा ऊपर ही है, 4 रुपीज़ से ऊपर बढ़ चुका हुआ है। तो अगर इसको आज या कल जो गुजरा है उसमें हम बेचते तो उसमें सीधा सीधा हमें 40,000 रुपीज़ बच रहा है। तो ये एक छोटी सी मिसाल है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट दुनिया में एक बड़ी प्रॉफिटेबल एंड बेहतरीन स्टॉक मार्केट क्यों गिनी जाती है। हमारे चैनल ने आपको 6 महीने से 8 महीने तक की इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में मशवरा दिया था, तो इन 15 दिनों ने ही इस चीज़ को प्रूफ कर दिया। इन 15 दिनों में इन 4 रुपीज़ का बढ़ना इस चीज़ का प्रूफ है कि हमारी एनालिसिस जो है वो बिल्कुल ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे की थी तकरीबन हमने यहाँ पे, और उसके बाद आप देखिए कि शेयर प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गया, ऊपर ही गया है। यही वजह है कि हमारे चैनल का नेम भी कुछ प्रॉमिसिंग है, थोक माल। वो थोक माल इसी आइडिया से लिया गया कि हम आपको थोक रेट्स निकाल के दिया करेंगे, आपको इतना समझा देंगे कि आप ख़ुद भी डिसाइड किया कर सकेंगे कि इस शेयर का थोक रेट क्या बनता है, मतलब कि आपको बचत किस रेट से हो सकती है। एनीवेज, इस शेयर में अभी तक स्टिल पोटेंशियल है। हमने तो 6 से 8 महीने का आपको इन्वेस्टमेंट प्लान दिया था, ये तो 15 दिनों में हुआ है। इसमें स्टिल पोटेंशियल है, यू कैन बाय दिस और यू कैन बाय एंड वेट एंड वॉच एंड इवन यू कैन बाय सेल। फिर ये बीच बीच में हल्का हल्का डिप भी खाते होते हैं शेयर, जिनको इनकी नेचर का पता है उनको अच्छे से पता है कहाँ पे पोजीशन तोड़ के दोबारा लेनी है। ये सब टेक्निक्स को आपको जानना ज़रूरी है। अगर नहीं जानते तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और बाकी स्क्रिप्ट्स भी जो हमारे इंडिकेशन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह बुलिश ही जा रहे हैं उनको भी नज़र डालते हैं इसके बाद। जी नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जी सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड, जिसका सिंबल है SNGP। इसकी जब हमने इंडिकेशन की थी तो तकरीबन ये इस जगह पर था, इसका रेट था 38.30 एग्जैक्टली। और ये इन 15 दिनों में 4 रुपये ऊपर जा कर के वापस फाइनली इस वक्त आज की अगर आप इसको रेट पे बेचें तो 2.25 अप पे बंद हुआ है। लास्ट जो सेशन इसका गुजरा 1 रुपया इसने उसमें डिप ली है, अगेन जैसा कि शेयर्स की नेचर होती है ऊपर नीचे हल्का हल्का से फ्लक्चुएट करते ही करते हैं। लेकिन फिर भी अगर कल के लिए देखा जाए तो 3.25 रुपीज़ अप है, अगर आज देखा जाए तो 2.25 रुपीज़ अप है। और इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ही नज़र आ रहा है, इसमें भी एंट्री बनाई जा सकती है। वेरी प्रॉमिसिंग एज वी इंडिकेटेड, इट इज़ गोइंग बुलिश। एक और स्क्रिप्ट जो था वो था डेस्कॉन ऑक्सीजन लिमिटेड डोल, जब हमने एनालिसिस किया था इसका रेट उस वक्त था जी 24.61, यहाँ पर हमने एनालिसिस किया था इसका। और आज इसका रेट तकरीबन
₹3 अप जा करके फाइनली ₹2 पे क्लोज हुआ हुआ है इस वक्त, अगर आप बेचें यानी कि उस वक्त से इस वक्त तक ₹2 फाइनली इस वक्त वो आप बेच सकते हैं। तो वो जो वीडियो है जिस पे हमने ये सब एनालिसिस किए थे, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने रख दिया है आप लोगों के लिए। उसमें और फर्दर स्क्रिप्ट्स भी हैं जो अभी तक मूव नहीं किए, अगर आप उनमें भी पोजीशन लेना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाके देखिए। इस वीडियो में अब मैं फर्दर आपको नए स्क्रिप्ट्स आपके लिए लेकर आया हूँ, वो स्क्रिप्ट जिनके लिए आप लोगों ने मुझे कहा है कि इन पर भी थोड़ा एनालिसिस कर लें, तो चलिए उस तरफ चलते हैं जी। तो आपकी रिक्वेस्ट पे जो पहला स्क्रिप्ट है जी, वो है यूनिटी फूड्स। यूनिटी फूड्स लिमिटेड इस वक्त कंसिडर हो रहा है अपने हिस्टोरिकली हाई पर, हालांकि मैकडी वगैरह कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं इसको, लेकिन देखा जाए तो RSI भी थोड़ी हीट हुई है। इसकी इन डेप्थ एनालिसिस जो हमने बहरहाल की है जी, उसमें उस हिसाब से ये अपने हिस्टोरिकल थोड़ा हाई पे ट्रेड कर रहा है, और उन सूरतों में हमारी तरफ से इसके लिए एग्जिट कॉल ही है। आप देख लीजिए, इसको एवरेज आउट थोड़ा सा करना है, थोड़ा वेट करके, तो इसमें से अपना आप एग्जिट आउट कर जाएं। इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना हमारे लिए हमारे हिसाब से मुनासिब नहीं है। दो ही सूरतों में ये ऊपर जा सकता है, या तो इसमें सट्टा चल जाए जैसा कि हिस्ट्री में एक बार चला भी था कुछ साल पहले, ये 250 से भी ऊपर चला गया था यूनिटी फूड्स, तो उसके बाद नहीं गया। तो और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि यूनिटी फूड जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लॉन्च करे नया, तब भी ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए लुक्रेटिव हो सकता है, लेकिन इस वक्त तक के लिए हम आपको मशवरा नहीं देंगे। आपकी रिक्वेस्ट पे जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है जी, वो है पाकिस्तान रिफाइनरी PRL जिसका सिंबल है। वो भी अपना आजकल उसको देखा जाए तो हिस्टोरिकली थोड़ा हाई रेट पे ही जा रहा है, और काफ़ी हैवी लॉसेस से वो वापस आया। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें वापस आनी शुरू हो, इसमें से फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी निकली है, तो इसके चांसेस थोड़े से बनते हैं इसके ऊपर जाने के। अदरवाइज़ इसकी तो मैकडी वगैरह भी जो है वो निकलने को ही कह रही है, इंडिकेशन जो है वो यही कह रही है कि आप इसमें से एग्ज़िट कर जाएं, और ज़्यादा फेवरेबल नज़र नहीं आ रहा। इसमें स्टे करना ल्यूक्रेटिव नहीं होगा, ये बेयरिश नज़र आ रहा है। हमारी टीम की तरफ से आपको एग्ज़िट कॉल ही बनती है इसमें। आज का जो लास्ट स्क्रिप्ट हम आपकी रिक्वेस्ट पर लेकर आए हैं जी, वो है गंधारा निशान, GHNL उसका सिंबल है। इसकी इन डेप्थ जो एनालिसिस हमने किए है, उसमें पहली बात तो ये है जी, ये शेयर्स ऑलरेडी बहुत लॉसेस में चल रहा है, गंधारा निशान जो कंपनी है ऑलरेडी पूरे लॉसेस में चल रही है। दूसरी बात ये है कि ये अपने हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो थोड़ा हाई पे ही जा रहा है इसका रेट, भी कोई थोक माल वाला रेट नहीं है, इसको जो लुक्रेटिव नज़र नहीं आ रहा, और इसके थोड़े कंपेटिटर्स भी इस वक्त मार्केट में काफ़ी आ रहे हैं, इस वजह से भी इसकी ग्रोथ के चांसेस ज़रा कम नज़र आ रहे हैं। तो हमारे चैनल की तरफ से इसमें भी एग्जिट कॉल ही है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं आप जा सकते क्योंकि इस वक्त ये 20 DMA से ऊपर है। शॉर्ट टाइम के लिए तो इसमें अभी इतना ख़तरा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। उम्मीद है आपको आज के इस एपिसोड से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसके अलावा फर्दर आप कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं या किसी भी किस्म की स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें अपने कमेंट में क्वेरीज ज़रूर सेंड कीजिएगा। देखते रहिए थोक माल चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।